नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की ओपनिंग करने जा रहे हैं। इजराइल को ईरान की बहुत बड़ी धमकी, लेबनान पर हमले का भयानक परिणाम होगा। लेबनान पर हमला तो ईरान युद्ध में उतरेगा, बड़ा खमियाजा भुगतेगा इजराइल, ईरान की तरफ से ये बात कही गई है। और इसी के साथ ही आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि लेबनान को लेकर, जी हां, लेबनान को लेकर इजराइल और ईरान में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जहां एक दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने लेबनान को पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान किया, तो अब इस बयान का पलटवार करते हुए ईरान ने इजराइल का वजूद मिटा देने की बात कही है। लेबनान पर हमला न करने की चेतावनी दी है, मगर बड़ा सवाल तो ये है कि फिलहाल ईरान में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, 5 जुलाई को फिर से वोटिंग होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या नए ईरानी राष्ट्रपति की शपथ के साथ ही इजराइल पर हमले का आगाज हो जाएगा? क्या लेबनान के चलते अरब में महायुद्ध का फ्रंट खुल जाएगा? आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हजार वर्ग किलोमीटर में फैला लेबनान, जिस पर हमले का प्लान आईडीएफ ने तैयार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ब्रिगेड ने कई फ्रंट से लेबनान की घेराबंदी तक कर ली है। मतलब साफ है कि किसी भी वक्त लेबनान इसराइल में वॉर छिड़ सकती है, किसी भी वक्त हिजबुल्ला और आईडीएफ के लड़ाकों में आर पार की जंग हो सकती है। और आशंका यह भी जताई जा रही है कि जो हश्र इसराइल ने गाजा का किया, ठीक वैसा ही बारूदी मंजर लेबनान के अलग अलग इलाकों में नजर आ सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही 8 महीनों में इसराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया हो, लेकिन गाजा की तरह लेबनान की जंग नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। क्योंकि अगर आईडीएफ ने लेबनान पर हमले की कोशिश की, अगर लेबनान को तबाह करने के लिए बारूदी बारिश की, तो इस जंग में ईरान सीधे उतर जाएगा, वो भी विनाशक हथियारों के साथ। चौबीस घंटे पहले इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनान को लेकर एक बयान दिया, वो ये, आईडीएफ ने लेबनान की घेराबंदी कर दी है। यकीन मानिए, इजरायली ब्रिगेड अपने विस्फोटक हमलों से लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा देगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान का जवाब लेबनान से पहले ईरान ने दिया, वो ये, अगर इजरायल ने गलती से भी लेबनान पर हमला किया तो पूरी ताकत के साथ ईरान इस युद्ध में शामिल होगा और इजरायल के अस्तित्व को खत्म करने के साथ ही जंग पर विराम लगेगा। तो क्या अरब में लेबनान को लेकर महाजंग की बिसात बिछ चुकी है? क्या जल्दी ईरान वर्सेस इसराइल में आर पार की जंग छिड़ सकती है? क्या ईरान अपने पुराने शत्रु से हिसाब चुकता करने का मन बना चुका है? तो क्या अरब में लेबनान को लेकर महाजंग की बिसात बिछ चुकी है?
क्या जल्द ही ईरान वर्सेस इसराइल में आर पार की जंग छिड़ सकती है? क्या ईरान अपने पुराने शत्रु से हिसाब चुकता करने का मन बना चुका है? गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का माहौल है। वोटों की गिनती हुई जिसमें किसी भी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिला, क्योंकि ईरान में राष्ट्रपति उम्मीदवार को कम से कम 50% बहुमत मिलना चाहिए। पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% का आंकड़ा पार नहीं कर सका, लिहाजा 5 जुलाई को ईरान में फिर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दें कि 5 जुलाई को सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले शीर्ष दो उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पज शकियान के बीच मुकाबला होगा, और इन्हीं दो चेहरों में से कोई एक ईरान में राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा, और उसके लिए लेबनान पहला अग्निपथ होगा। तो क्या 6 जुलाई यानी आज से ठीक 7 दिन बाद ईरान जंग का आगाज कर देगा? क्या ईरान अपनी मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन से इजरायली धरती को सुलगा देगा? दरअसल ईरानी प्रेसिडेंट रईसी की मौत के बाद से ही ईरान आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस बार ईरान अपने विनाशक हथियारों के जरिए इजरायल से हर पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ, हर फ्रंट से इसराइल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसराइल में बारूदी जलजला लाने के लिए खमेनी ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान से तेल अवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में झोंकने का प्लान बना लिया है। ईरान की पहली घातक मिसाइल है सेजिल, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 12 यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। तीसरी मिसाइल की बात की जाए तो उसका नाम है इमाद, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र शहाब है 3 जिसे कहा जाता है, शहाब 3, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इसराइल को दहलाने वाली पांचवी मिसाइल का नाम गदर है, जो मैक 9 की रफ्तार से 1950 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। ईरान की छठी मिसाइल पवे है, जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है। तो वहीं रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रईसी के सातवें ब्रह्मास्त्र का नाम फतेह 2 है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की आठवीं मिसाइल खैबर शेकन है, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इसराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की नौवीं मिसाइल हज कसम है, जो मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इसराइल का कोना कोना बारूद से दहलेगा ही, बल्कि इसके साथ साथ रईसी अरब वर्ल्ड से भी महाशक्ति अमेरिका के पांव उखाड़ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ ईरान ने जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं ईरान के साथ उसके प्रॉक्सी संगठन भी पूरे एक्शन में हैं।
हुती हो या फिर हिजबुल्ला, हर कोई इसराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक भीषण हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात लेबनान के हिजबुल्ला संगठन की। उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला ने जबरदस्त हमले किए। शालोमी, गैलिली और लहारिया में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। माउंट डोव में भी हिजबुल्ला ने मिसाइलों से अटैक किया। माउंट डोव में इजरायली सेना का मिलिट्री बेस तबाह हुआ। उत्तरी इसराइल के मेतुला में हिजबुल्ला ने रॉकेट बरसाए। शुबा हिल्स में हिजबुल्ला के अटैक से IDF का बेस ध्वस्त। हालांकि IDF ने भी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन बीती रात हिजबुल्ला के बारूदी ट्रेलर से नेतन्याहू ब्रिगेड में कोहराम जरूर मच गया। वहीं हिजबुल्ला के साथ साथ हूती ने भूमध्य सागर से लाल सागर तक गदर मचाया। हूती लड़ाकों ने रेड सी और भूमध्य सागर में 4 जहाजों को निशाना बनाया। भूमध्य सागर में हूती ने ऑयल टैंकर पर ड्रोन स्ट्राइक की, तो वहीं लाल सागर में हूती ने 3 जहाजों पर मिसाइलें दागी। दावा है कि हूती ने 3 इजरायली और 1 US वेसल पर अटैक किया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने यमन में मौजूद हूती के बेस पर बमबारी भी की, लेकिन बेकाबू हो चुके ईरानी प्रॉक्सी ने बाइडेन और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच ईरान के जंगी तेवर ने इसराइल के होश फाख्ता कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।